हेलो स्टूडेंट्स क्लास टेंथ, आज हम आपको अपनी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड जो जीएल फॉन्ट्स के द्वारा लिखा गया है वो पढ़ाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। ए लेटर टू गॉड में एक लेंको एक फार्मर है जिसने भगवान को अपनी फसल ख़राब होने के बाद पत्र लिखा और 100 पैसों की डिमांड की कि कम से कम मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। क्या लेंको का लेटर भगवान तक पहुंचा? क्या भगवान ने उसकी मदद की? ये सब हम अपने इसमें रीड करेंगे, देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley. वो पूरी घाटी के अंदर अकेला घर, पूरी घाटी के अंदर एक घर था अकेला लेंको का। Set on the crest of low hill, नीची छोटी पहाड़ी, उसके क्रेस्ट के ऊपर, उसके शिखर के ऊपर उसका एक मात्र अकेला घर था। From this height, इस ऊंचाई के ऊपर से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, कोई भी आदमी उस ऊंचाई पे चढ़ करके नदी, पकी हुई फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फसल फूलों से ढकी हुई थी, जिसमें फूल खिले हुए थे, और दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वो फसल हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा कर रही थी, यानी कि उसको देखते ऐसा लग रहा था कि अब की बार अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, अब एक बात ये थी, केवल एकमात्र कि धरती को अब डाउनपोर यानी कि एक कम से कम एक बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक बारिश का अच्छी बारिश होने की ज़रूरत थी, क्योंकि फसल को पानी की कमी थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, सुबह के समय लेंको, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फसल को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने उस दिन कुछ नहीं किया सिवाय आसमान में जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूर्व की तरफ से जो बादल आ रहे थे ना, वो देखे। सिर्फ इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। वो बादलों की बाट जो रहा था, बादल की वेट में था कि कब बादल आएँ, बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वो अपनी पत्नी को वुमेन कह के पुकारता कि हे वुमेन, हे अर्थ, अब शायद हमें वास्तव में पानी मिल जाएगा। गेट सम वाटर, हमारी फसल को पानी मिल जाएगा, उसको बारिश की उम्मीद है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो महिला जो अभी शाम के खाने का सुपर, तो शाम को डिनर का के समय जो खाना बनाने जा रही थी, खाना प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहें तो हो जाएगा, पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे वाला था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के नज़दीक ही खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उन सब को उस महिला ने बुलाए नहीं लिया, कम फॉर डिनर, सब आ जाओ डिनर के लिए, आ जाओ, शाम के भोजन तैयार है। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के समय की बात थी। जस्ट एज लेंको हैड प्रीडिक्टेड का मीनिंग होता है पूर्व अनुमान लगाना, पहले से किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो भोजन के समय की बात थी, लेंको ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट,
और नॉर्थ ईस्ट में पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के पर्वतों जैसे बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए, बड़े बड़े बादल पर्वतों के जैसे बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताजी थी, एंड द स्वीट, और बहुत मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी घर से बाहर आया लेकिन उसका और कोई कारण नहीं था घर से आने का, बाहर आने का। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल वो एकमात्र उसका उद्देश्य था कि अपने शरीर पर बारिश को महसूस करना चाहता था, उसकी खुशी महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो उसने ये दावा किया, क्या दावा किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे तो नए सिक्के हैं, यानी कि हर बूंद की वैल्यू सिक्कों के समान है, बहुत कीमती हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने बड़े संतुष्टि के भाव से अपनी फसल, जो पकी हुई मक्का के फसल थी, उसको सम्मान दिया। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और देखा कि वो सारी फसल, मक्का की फसल के पौधे और मक्का के पौधे ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो बारिश के पर्दे में ढक गए हैं। कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे, यानी कि बारिश तेज़ हो गई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई, वो हवा तेज़ हो गई। एंड अलोंग विद, और इसके साथ साथ, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टेन बिगेन टू फॉल, बहुत तेज हेल स्टोन ओलावृष्टि शुरू हो गई, ओलों की बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, अब तो वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के के समान लग रहे थे, जो ओले थे वो चांदी के सिक्के ही बन गए। द बॉयज उसके लड़के ने, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बारिश के सामने एक्सपोज किया, अपने आप को दिखाया। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उसने दौड़ के बाहर आया और जो जमे हुए मोती, पर्ल्स होते हैं मोती, पर्ल्स मोती, फ्रोजन पर्ल्स जो जमे हुए ओड़े थे उनको इकट्ठा किया बाहर आके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो वास्तव में ही हमारे साथ बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने इस बात को स्वीकार किया। आई होप इट पास क्विकली, अब वो कहता मुझे उम्मीद है जल्दी ही ये रुक जाएंगे, निकल जाएगी, ओलावृष्टि थम जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये इतनी जल्दी से पास नहीं हुई, ओलावृष्टि नहीं थमी। फॉर एन आवर दैट हेल रेन ऑन द हाउस, पूरे घंटे तक ओलों की बारिश, ओलावृष्टि उस घर पर होती रही। द गार्डन बाग में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड मक्का के खेत में, ऑन द ओल वैली और पूरी उस घाटी में जिसमें उसका मकान था, सारी में एक घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, और वो खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, किसी पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से, मक्के की फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूलों से, पौधों से
सारे फूल गायब हो गए। लैंको's soul was filled with sadness। अब लैंको का मन था वो उदासी से भर गया, बड़ा उदास हो गया। बड़े चाव से फसल बड़ी हुई थी, अब मक्का पकने ही वाली थी, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। When the storm had passed, जब तूफान पास्ट हो गया, रुक गया, he stood in the middle of the field, वो जाके खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से ये कहने लगा, a plague of locusts, locusts होते हैं टिड्डी दल, जो आजकल हरियाणा में आने की संभावना है राजस्थान से, वो locusts हैं, टिड्डियों का दल जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल लैंको देता है, ए प्लेग ऑफ लक्यूट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इससे तो ज़्यादा, जो अगर टिड्डियों का दल हमारे खेत में आक्रमण कर देता तो इससे कहीं अधिक तो वो भी छोड़ देता, यानी उससे भी ज़्यादा नुकसान कर दिया बारिश ने। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस हेल ने, ओलावृष्टि ने तो पीछे कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का का अनाज नहीं है, खाने को मक्का नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल नाइट, वो रात उनके लिए बड़ी दुखदाई रात थी। ऑल ऑफ आवर वर्क और नथिंग, हमने कितना वर्क किया, कितनी मेहनत की, लेकिन उसका फल नथिंग, कुछ नहीं मिला, सब कुछ बर्बाद हो गया। देर इज नो वन, और वहाँ अब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करे, यानी हमारी मदद करने वाला घाटी में कोई भी नहीं है। वी विल ऑल गो हैंगरी दिस ईयर, हम सारे के सारे इस साल बस हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, भूखे ही मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के दिलों में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर के अंदर जितने भी लोग रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में अकेले एकांत उस घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सब के दिल में देर वाज ए सिंगल होप, उनके मन में एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भाई भगवान से मदद ली जाए, अब तो भगवान ही मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो बनो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि हमें पूरा नुकसान दिखाई दे रहा है, पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है। अब वो अपने बच्चों को, परिवार को समझाता है, दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वो क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कि कोई भी कभी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एकमात्र अपनी एकमात्र होप, उम्मीद के बारे में सारी रात भर उसने सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद ली जाए। वोज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसी की आँखें उसको पहले ही उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे चुकी थी। सी एवरीथिंग, हर कोई, हर किसी ने देखा। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि किसी एक के आंतरिक सेंस, आंतरिक ज्ञान, कितनी गहराई तक ज्ञान है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंको एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि लैंको बड़ा हार्ड वर्कर था, आदमी के रूप में वो ऑक्स था, बैल था, तो इसका कहने का अभिप्राय है कि वो बड़ा हार्ड वर्कर था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में तो जानवरों की तरह काम करता था, जैसे जानवर सारे दिन भर काम लगे रहते हैं। बट स्टिल, लेकिन फिलहाल, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन काम करते करते अब उसको इतना तो पता था कि लिखा कैसे जाता है, लिखना तो आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले रविवार को दिन निकलते ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको खुद ही उस पत्र को शहर से लेके आया था।
एंड प्लेस इन द मेल, और उसको फिर पत्र को लिख के डाक में भेज दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये एक भगवान से पत्र से कम कुछ नहीं था कि पत्र सीधा ही भगवान को लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे दोबारा से मेरे खेत की जुताई करने के लिए, सो खेत की जुताई करने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक अगली फसल आ जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि इस साल की तो फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, तब तक मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। ही रोट, और उसने लिखा टू गॉड, टू गॉड यानी भगवान के नाम एड्रेस लिखा ऑन द इनवल्प, जो लिफाफा था उसके ऊपर द गॉड के नाम से टू गॉड भगवान को एड्रेस किया। पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को डाकखाने में क्या जो बॉक्स होता है उसमें डाला, मेल बॉक्स, एंड स्टील ट्रेबल्ड, और अब भी वो परेशानी में था। वेंट टू टाउन, और शहर में गया। एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में डाकखाने में गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और उस पत्र पर उसने एक स्टैम्प लगाया, एक टिकट लगाई, एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको जाके मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, उनमें से एक उसका कर्मचारी जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और साथ साथ वो डाकखाने में पोस्ट मास्टर की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास, अपने अधिकारी के पास गया। लाफिंग हार्डली, मन से बड़ा खुश हो रहा था, बहुत हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जाके अपने बॉस को एक लेटर टू गॉड वाला पत्र दिखाया कि भाई किसी ने भगवान के नाम पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के करियर के रूप में कभी भी उसने हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट अमीएबल, पोस्टमास्टर था वो एक मोटा अमीएबल, बहुत ही दयालु मिलनसार अमीएबल फेलो, मिलनसार आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी हंसी फूट पड़ी। बट अलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही अब वो गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी बेंच के ऊपर उस लेटर को लाया, कमेंटेड, उसके ऊपर टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ कि उस आदमी का फेथ, विश्वास, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया, कि भगवान के साथ भी जिसने पत्र लिखना शुरू कर दिया है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, कि जो भगवान को पत्र लिखने वाला जो राइटर है, जिसने भगवान को पत्र लिखा यानी लैंको, उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। टू सेक मानी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, अब पोस्ट मास्टर को एक अनुमान आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपन्ड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, इस बात का ये गवाह था, दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इस लेटर के अंदर इस बात का गवाह था कि उस जवाब के साथ साथ नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसके साथ साथ
शुभ समाचारों के साथ साथ उसको कुछ और भी जरूरत थी। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसे इसका भी समाधान मिल गया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करने के लिए पूछा। उसने ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी अपने वेतन में से भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि धर्म के कार्य के लिए, भलाई के कार्य के लिए उसके सेवरल फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने उसको ऑब्लाइज किया यानी कि उसका साथ दिया, सभी ने उसका सहयोग किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसो, अब उसके लिए ये तो संभव नहीं था कि आपस में कुल मिला के 100 पैसो तो इकट्ठे वो नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, कि वो तो बस जितने उसने मांगे थे उससे तो आधे से कुछ एक ज़्यादा, मोर देन हाफ, आधे से कुछ एक ज़्यादा ही वो इकट्ठे कर पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवॉल्व, उसने उन पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस द लैंको, और लैंको का उसके ऊपर पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उस पत्र के ऊपर सिर्फ एक ही शब्द लिखा एज ए सिग्नेचर, और वो भी दस्तखत के रूप में, सिग्नेचर के रूप में गॉड, और उसने भगवान को भगवान के नाम से सिग्नेचर करके दिए ताकि लैंको ये सोचे कि भाई लेटर है, ये पैसे हैं, ये भगवान से ही आए हैं, न कि किसी आदमी से आए हैं। द फॉलोइंग संडे लैंको कैम ए बिट अर्लियर, आने वाले रविवार को लैंको ए बिट अर्लियर थोड़ा पहले आ गया, थोड़ा सा पहले, समय से पहले। देन यूजुअल टू आस्क, जो सामान्य रूप से उसने पूछ लिया इफ देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद वो डाकिया खुद था, वो हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको वो पत्र उसके हवाले किया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वो इस कंटेंटमेंट से, इस संतुष्टि से उसको जो एक्सपीरियंस हुआ उस आदमी को, वज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, इसने एक बहुत गुड डीड की, बहुत भलाई का काम किया। लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो दफ्तर से ही ये सब कुछ देख रहा था। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंको ने उन पैसों को देख के जरा सा भी उसको अचंभा नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, देखो उसमें कितना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन अब वो विश्वास के साथ साथ अब गुस्से में हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उन पैसों को गिना तो उसके पैसे पूरे नहीं थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और उसको ये भी विश्वास था कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और नहीं वो कभी लैंको को डिनाइड कर सकता है, भगवान तो लैंको को मना कर ही नहीं सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने भगवान के आगे रिक्वेस्ट की थी, भगवान को पत्र लिख के 100 पैसों मांगे थे। इमीडिएटली, तुरंत लैंको वेंट अप टू द विंडो, तुरंत खिड़की के पास गया। आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही के लिए मांग की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ जो पब्लिक राइटिंग की टेबल थी, ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ जाके उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपनी भौंहें चढ़ा के, आँखों की जो आईब्रो थी उनको चढ़ाते हुए, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। कॉज्ड बाई एफर्ट ही हैड नो मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, नहीं लिख पा रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब जैसे ही उसने अपना पत्र पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प, वो खिड़की के पास एक टिकट खरीदने के लिए गया।
विच ही लीक्ड। फिर उस पर उसने अपने मुंह से उसको लीक किया, मुंह से उसको थूक लगाया। एंड देन आई फिक्स टू द इनवल्व विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने अपनी फिस्ट की मदद से, अपनी हथेली की प्रेशर दबाव से उस लिफाफे के ऊपर वो टिकट चिपका दी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी समय उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड गॉड, इसमें ये लिखा हुआ था हे भगवान, उसमें लिखा हुआ था ऑफ द गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, हे भगवान जो पैसा जिसके लिए मैंने तुमसे मांगा था, पैसे मांगे थे। ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मैंने 100 पैसों की डिमांड की थी और मेरे पास केवल 70 पैसों रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मीनिंग होता शेष, बैलेंस, तो बाकी के पैसे मेरे वापस जल्दी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इनकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसको डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक लैंको, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये ठगों का एक टोला है, ठगों का ग्रुप समूह है लैंको, और लैंको का अपने उसने नीचे साइन कर दिए। तो ये आपका चैप्टर द लेटर टू गॉड। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।